शिवलिंग जिसको जब भी आप नापते हैं तो उसका साइज हमेशा अलग अलग आता है। यहाँ पे एक रिजर्वायर है कुंडली जिसे कहते हैं, वहाँ पे अनलिमिटेड पानी आता है। देखो यार वो था पूरे इतने ऊपर है, देखो यार इसको छतरी कहते हैं जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ। नू अ स्टेट इन हरियाणा जिसका नाम आज आपने पहली बार सुना होगा, पर इसमें बहुत ही ज्यादा इतिहास है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री है इसमें। सो आज मैं आपको नू के बारे में एक पूरा टूर देने वाला हूँ, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, हिस्ट्री और हाउ टू रीच नू, कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। सो वीडियो स्टार्ट इन 3, 2, 1 गो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट बोल के स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैनिक गॉसिप्स पे। नू जो पहले आता था पांडव के राजा युधिष्ठिर के अंडर, उसके बाद ये आया मयूर एम्पायर के अंडर। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने नू आना हो तो नू न्यू दिल्ली से लेकर 83 किलोमीटर्स हैं और ये हरियाणा में एक बहुत ही छोटा सा आप इसको विलेज कह सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही कम टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लाइक दो ही हैं, बट वो भी यार बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आप इंटरेस्टेड हो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी, तो आप यहाँ आए, प्लेसेस मैं आपको बता रहा हूँ दो। सो दूसरी मैं कोशिश करता हूँ जाने की, जहाँ तक मैं आ जाऊँगा चाहे शॉर्ट दिखाऊँ पर मैं दिखा दूंगा। सो फर्स्ट व्यू, सो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट व्यू पे जो कि नल्लड़ मंदिर। सो वहीं मिलता हूँ मैं आप। बहुत ही छोटी सी जगह, तो मैं आपको यहाँ की फर्स्ट प्लेस बताना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरे पीछे वो है लल्लड़ महादेव मंदिर, जो बना था 1985 में, जो बनाया था स्वामी ज्ञानगिरी महाराज जी ने, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, पर जो अब ये मंदिर है ये पूरा जो संभाल रहे हैं वो संभाल रहे हैं उनके बेटे स्वामी मूलक राज जी महाराज, प्लस इनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैशियर और सेक्रेटरी, जिनके चारों नाम अभी यहाँ पे आ रहे होंगे, ये सब इनको संभाल रहे हैं। और पूरा अभी मैं जाता हूँ इस मंदिर में, अंदर पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, एक एक बात बताऊँगा, तो अंदर चलते हैं। इस टाइम मैंने एंट्री ले ली है नल्लड़ मंदिर में, वो देखो पूरा मंदिर है पीछे। सो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ और मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ इसमें बताने वाला हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल, जो आपको शायद अब तक किसी ने नहीं बताई होगी यहाँ पे, कि यहाँ पे एक शिवलिंग है, उसका जो साइज़ आता है हर बार जब भी आप उसको मेजर करोगे, जितने बंदे आप जितनी बार भी करोगे वो डिफरेंट आएगा। सो बहुत ही ज़्यादा ये लगा लो चमत्कार वाली चीज़ है। इधर अगर मैं शिवलिंग दिखा पाया तो वो शिवलिंग दिखाऊंगा, पर मैंने आपको ज़रूर बता दिया उसके बारे में। अंदर आके जब मिले हैं, मैं मिला हूँ इनसे, आपका नाम क्या है? बंसी। बंसी जी हैं यहाँ हमारे साथ हैं वो, और मैं इनसे पूछूंगा कि इस मंदिर की क्या हिस्ट्री है। वो यहाँ के पंडित हैं भोलेनाथ के, वो अपने आप को सेवक कहते हैं। सो मैं इनसे पूछूंगा, यहाँ का पूरा ये मैनेज करते हैं इधर, बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज कर रखा है पूरा मंदिर। सो मैं इनसे हिस्ट्री पूछता हूँ, सबसे पहले यहाँ की इतिहास क्या है इसका? ये जो मंदिर है, हाँ जी, ये पांडवों के ज़माने का है। पांडवों के? अच्छा, जो ये है अरावली पर्वत है, हाँ जी, ऊपर से जल भी निकल रहा है अभी। अच्छा, और ऐसा जल है कोई पियो बड़ा अच्छा, ऐसा जल हर एक जगह मिलेगा नहीं। अभी वहाँ भी जाएंगे, अभी मैं वहाँ भी दिखाऊंगा। भोले बाबा की कृपा भाई, हाँ जी, धीरे 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 दुनिया यहाँ आने लग पड़ी। हमारे श्री श्री 1008 श्री श्री महाराज जी, ज्ञानगिरी जी महाराज, स्वामी ज्ञानगिरी जी महाराज हमारे गुरु जी है वो। अच्छा, वो चले गए। अच्छा जी, और मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जो शिवलिंग है, मैंने सुना है कि यहाँ का सब, अब जब भी इसको इसका हाथ लगा के मेजरमेंट करते हैं, मतलब हम भी जब इसको नापते हैं तो इसका साइज और नाप हमेशा अलग अलग आता है, क्या सच बात है? ये बिल्कुल सच बात है, आप देखो नापो। अच्छा, तो छोटो पड़ जाओ क्या, बड़ो पड़ जाओ, छोटो पड़ जाओ बड़ो पड़ जाओ, बहुतों ने नापे हुए। ठीक है, 10-20 हज़ार ने। अच्छा चलो, अब हम इसको दिखाते हैं अंदर। मेरे मुंह में तो ये है बोला शिवलिंग, जिसको जब भी आप नापते हैं तो उसका साइज हमेशा अलग अलग आता है, इसी का है वो जो साइज अलग अलग आता है। अब मैं इसको नाप के दिखाता हूँ पूरा कि ऐसा सच है या नहीं। 1, 2, 3, ठीक है ना, 1,
दो तीन, ये देखो इतना गैप है, मतलब यार बिल्कुल सही चीज है यार। तो बिल्कुल तो जैसा एक अभी शिवलिंग वाला चमत्कार बताया, इधर एक और चमत्कार है जो एक यहाँ पे एक रिजर्वायर है, कुंडली जिसे कहते हैं, वहाँ पे अनलिमिटेड पानी आता है। जब पांडव थे 14 साल उन्होंने यहीं पे, 5000 साल पहले उन्होंने 14 साल यहीं पे अपने बिताए हैं, उसी रिजर्वायर से पानी पिया है। वो मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ बस, क्योंकि यार वो है उधर, वो देखो ऊपर दिख रहा है आपको, वो इतनी ऊपर है। अभी वहाँ पे पहले तो स्टेयर्स सीढ़ियों का इंतज़ाम नहीं था, बट अब यहाँ पे किसी ने हेल्प की होगी तो यहाँ पे स्टेयर्स का भी अरेंजमेंट सब है। बट यार जो इस टाइम टाइम हो रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और मैंने सेकंड प्लेस दिखानी है। इस टाइम टाइम देखो 7 बजने वाले हैं इस टाइम यार, ये देखो 7 बजने वाले हैं और अंधेरा होने वाला है, तो मेरे को दूसरी जगह भी जाना है। अब मैं वहाँ जा पाता हूँ नहीं जा पाता, मैं वहीं जाके बताऊँगा आपको। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये देखो यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए होती हैं 250 सीढ़ियाँ आपको चढ़ के ऊपर जाना होता है, जिसमें अराउंड आपको आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। तो ये था पूरा फर्स्ट प्लेस जो मैंने कवर करी नूह की। अब मैं जाता हूँ अपनी सेकंड प्लेस पे, ये देखो यार वो था पूरे इतने ऊपर है, देखो यार बहुत ही ज़्यादा ऊँचा है, वरना मैं ज़रूर जाके दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ अपनी सेकंड प्लेस पे, पूरा कवर करता हूँ उसको। यहाँ तक वीडियो देख ली तो लाइक कर देना, मैं सेकंड जगह मिलता हूँ आपसे। थर्ड कोई भी लोकेशन मान लो, वो ये है सबसे पहले जो मैं दिखाऊं, उसके बाद जो है वो वहाँ पे है पीछे। तो मैं पहले सबसे पहले इसके बारे में बताऊं, चूही मल सेठ का जो चूही मल सेठ की हवेली है ये, और इसके बारे में बताऊं, वो यहाँ रहा करते थे। और बाकी मैं तालाब के बारे में बताऊं तो वो तालाब पीछे, अब मैं सीधा आपको तालाब में मिलता हूं, क्योंकि यहां पे इतना कुछ बताने का है नहीं, तो पीछे मैं तालाब की तरफ जा रहा हूं, सीधा तालाब की तरफ मिलता हूं। सो बिल्कुल पीछे हमारे हैं हमारी थर्ड डेस्टिनेशन, जो कि है चूही मल का तालाब, जो यहाँ पे आप देख रहे हो 8 छतरी टाइप बनी हुई हैं, ये बनाई गई थी पूरी, और वो महल, और जब ये देखो ये पूरा महल, और ये जो 8 छतरी हैं बनाई गई थी चूही मल सेठ, चूही मल ने बनाई थी ये पूरी। और जो 8 का ग्रुप बना हुआ, मतलब जो अलग अलग टाइप से दिखती है, और इसकी कोई बेसिक हिस्ट्री तो है नहीं, बट ये है 17th या 18th सेंचुरी में बनाया गया था, प्रॉपर उन्होंने बनाया था। पर अब बेसिक आप जानते होंगे वो यहाँ तो है नहीं, पर एक सबसे बड़ी बात, वो नूह के ही रहने वाले थे, यहीं के रहने वाले थे। यहाँ पे जाके खड़े होकर व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ कैसे व्यू आता है। के अंदर आ गया हूँ, देखो इसके अंदर कैसा सा लगता है, मतलब देखो व्यू देखो कितना अजीब सा आ रहा है। इसको छतरी कहते हैं जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ, देखो छतरी की ये शेप आती है पूरी, इसको छतरी कहते हैं। ऐसे यहाँ पे टोटल 8 है, सबसे पहले वाली में मैं खड़ा हूँ, और यहाँ देखो यार जो यहाँ पे तालाब है, तालाब तो लग रहा है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा गंदा है इधर, हर एक चीज़ का गंदा है, बहुत ही ज़्यादा हालत इसकी ख़राब ही पड़ी है। बट यार एक हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई इसके पीछे भी हिस्ट्री है, जो 16th-17th सेंचुरी में बना है और अब तक बिल्कुल मजबूती से बिल्कुल खड़ा हुआ है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो, तो आपको लाइक कर देना वीडियो को। मैं बताऊं आपको नूह कैसे आना, मैंने आपको बता दिया 83 किलोमीटर है दिल्ली से, और मैं दोनों जगह के गूगल मैप के लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। जिस कैमरे शूट कर रहा हूं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिस माइक से शूट कर रहा हूं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली इन शॉर्ट आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, दिस इज कितने जा साइनिंग ऑफ फ्रॉम जर्नी गॉसिप्स, बाय बाय।